अस्सलाम वालेकुम। एक दुख भरी खबर जब हमने सुनी कि सुबह सुबह जो आज यहाँ पे जनाब ताज साहब का कोई रोड शो था, उसमें कुछ लोग आ रहे थे और अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अफसोस से कहना पड़ता है कि गाड़ी में जितने भी मुसाफिर थे, पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी तक ये खबर सुनने को नहीं मिली कि किसी की जान गई हो। इसके लिए हम अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं कि सबकी जानें बच गई। बड़ा जख्मी जितने भी गाड़ी में थे सारे हो गए हैं। उनमें से कुछ को बारामूला रेफर कर दिया गया है, जिसमें कहते हैं किसी की बाजू कट गई है, किसी का सर फट गया है। अभी हम अंदर हॉस्पिटल में देख रहे थे। ये हमारा इंसानी फर्ज है, इस पे हम सियासत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सियासत कुछ लोगों ने पिछली बार की, जब मोहतरम जनाब डॉक्टर सजाद साहब नामला गए थे तो वहां पे कोई आदमी बेचारा रास्ते में गिर गया, तो उन्होंने उठाने के बजाय उसको सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया कि देखिए भाई एनसी का बंदा यहाँ पे गिरा, कोई देखने के लिए नहीं आया। तो हम इस सियासत में नहीं जाना चाहते, ये हमारा इंसानी फर्ज था। आज जब हमें इनसे मिला, इनके वो दर्द, उनको ये लग रहा था कि शायद ही ये हमारी कोई मदद करने आया है। डरे हुए हैं लोग और जख्मी हालत में, किसी की टांग को लगी है, बाजू को लगी है, सर को लगी हुई है। कोई ये भी कह रहे हैं कि हमें अभी भी चक्कर आ रहा है, हमें कोई देख नहीं सकते हैं। अलबत्ता ये एक चीज जरूर कहूंगा कि अभी तक यहाँ पे अगर जलसा था तो यहाँ पे पहले ताज साहब खुद आते या उनके साथ जो भी थे। आपने पिछली बार देखा कि हमारा जो वर्कर जिसको थोड़ी सी चोट लगी तो डॉक्टर सजाद शफी साहब, यही एक नौजवान लीडर की खासियत है, अभी भी डॉक्टर साहब खुद आ रहे थे। हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब, पहले हम खुद जाएंगे, क्योंकि आज इनके यहाँ पे कन्वेंशन है, हो सकता है इसको ये लोग एक सियासी प्लेटफॉर्म पे ले जाएं कि कहें कि देखिए डॉक्टर सजाद साहब हमारे जख्मी पे भी ये सियासत कर रहे हैं। तो ये है कि हम जितने भी ये लोग जख्मी हुए हैं, इनके परिवार से हमदर्दी का इजहार करते हैं और ये यकीन दिलाते हैं इनको जहां पे भी जिस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, चाहे यहाँ पे बारामूला में या किसी जगह भी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम इनकी मदद के लिए तैयार हैं। ये हमारा इंसानी फर्ज है, लोग हमारे हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम उड़ी के रहने वाले हैं, ये हमारा फर्ज है, ये किसी पे कोई एहसान नहीं है। आपने खुद देखा कि वो बेचारे किस तरह दर्द से चिल्ला रहे हैं। बाकी असलाम, शुक्रिया।